कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, मास्क और दो गज की दूरी है उपचार। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया पुष्कर कस्बे का निरीक्षण। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बुधवार को धार्मिक नगरी के बाजारों का निरीक्षण किया, साथ ही लोगों से घरों में रहने के लिए समझाइश भी की। इस दौरान कस्बे के लोगों ने कलेक्टर और एसपी के काफिले पर पुष्प वर्षा कर कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया हुआ है, जिसमें लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोग घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें लेकिन मास्क लगाकर ही निकलें, उचित दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। इस तरह की अपील लगातार जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पुष्कर के लोग काफ़ी सजग हैं, सतर्क हैं इस महामारी को लेकर के। हमने पूरे कस्बे का मार्केट का दौरा किया कलेक्टर साहब ने, मैंने कहीं भी हमें भीड़भाड़ नहीं मिली। कुछ लोग मिले मास्क लगा के मिले और वो भी अपने घरों के बाहर बिना कोई कारण के घूमता हुआ, इक्का दुक्का आदमी को छोड़ के कोई नहीं मिला। हम इस संदेश के लिए ही हम यहाँ आए हैं कि ये जो हमारा SMS है, S मतलब सैनिटाइजर, M मतलब मास्क और S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, ये SMS प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस महामारी से बचने का एकमात्र रामबाण जो औषधि है वो ये मास्क है, और मास्क भी अच्छी क्वालिटी का हो, डबल लेयर ट्रिपल लेयर का हो या N95 हो। और इसके अलावा हम बाहर या तो निकले नहीं बिना किसी कारण के, बहुत आवश्यक हो निकलना तो बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले, और बाहर निकलने के बाद भीड़ भाड़ से बचे, 6 फीट की दूरी का पालन करें और एक छोटा सा सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, जिसको किसी भी बाह्य वस्तु को छूने पर हम उसको अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। ये महामारी अब बहुत जल्दी हम उस पर विजय पालेंगे, केवल अपने अनुशासन को बनाए रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं पुष्कर के सभी निवासियों से अपील करता हूँ कि अपना अनुशासन बनाए रखें। अगर आप अनुशासित रहेंगे, बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जरूरी होने पर मास्क पहन के निकलेंगे, तो ये बीमारी हार के भागेगी भागेगी भागेगी। पुष्कर जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये मेरा संदेश है, लेकिन अपना अनुशासन बनाए रखें, ये मेरी अपील है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा आमजन के स्वास्थ्य रक्षा के हित में उठाया गया कदम है, सभी को स्वयं ही इसकी पालना करनी चाहिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत, थाना अधिकारी राजेश मीणा सहित प्रशासनिक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। का जो अलग ऑर्डर है वो नहीं, ऑर्डर सबका नहीं, नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। आप तो जिला मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट के ऑर्डर सारे एक ही। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने पुष्कर का दौरा किया। पुष्कर में अभी जो COVID-19 के तहत जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसकी कैसी पालना हो रही है, और कोविड के जो अन्य प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो आइसोलेशन के हों, और जो यहाँ पे एक और चीज़ है कि आज डोर टू डोर दवाई वितरण का भी किया गया है कि जिनके आईलाइन हैं, इन सब चीज़ों का रिव्यू करने के लिए और फील्ड में दौरा करने के लिए मैं और जिला पुलिस अधीक्षक हम लोग निकले हैं, यहाँ के लोकल अधिकारी उनके साथ निकले, और कोविड का जो प्रोटोकॉल है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वो किस तरह से फॉलो कर रहे हैं लोग। और इस टाइम पे ज़्यादातर तो मैक्सिमम इस्टेब्लिशमेंट बंद है, तो घरों में रहने का यही चीज़ का देखने के लिए हम निकले, और किस तरह से ये संक्रमण है वो कम से कम और रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, उसका रिव्यू करें। थैंक यू सर।